नमस्कार, एक बार फिर अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत। भारत और इंडिया की बहस जारी है। एक देश का नाम जो दरअसल उस देश की उत्पत्ति के साथ ही उससे जुड़ा होता है। समय के साथ कई देशों ने अपने नाम बदले भी हैं, लेकिन हजारों वर्षों की प्राचीन सभ्यता को अपने साथ लेकर चलने वाला भारतवर्ष, भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, कुछ भी कह लें, सैकड़ों सालों की अंग्रेजों की गुलामी और उसके पहले आक्रांताओं की गुलामी के बाद अपनी हजार साल की दास्तानों से मुक्त होकर जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद एक संविधान सभा बनाई गई जिसको यह तय करना था कि देश किस नीति रीति और नियम से चलेगा। उस संविधान सभा ने ही भारत के संविधान को आकार देने की महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाई। लेकिन अब जब एक बार फिर आज़ाद हिंदुस्तान के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद यानी अमृतकाल के समय में देश के नाम को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो फिर से इतिहास के पन्नों को खंगालने पर जो तथ्य मिलते हैं वो हैरान भी करते हैं, रोमांचित भी करते हैं, दुखी भी करते हैं, उत्साहित भी करते हैं और गर्वित भी करते हैं। ये सब एक साथ इसलिए कि उस संविधान सभा में देश के अलग अलग प्रांत जो आज़ादी के बाद उस समय अस्तित्व में थे, उन सभी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया था। उसके लिए संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस प्रारूप समिति ने जो संविधान का ड्राफ्ट यानी जो प्रारूप पूरा तैयार किया था, वो जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो उसके हर अंग पर, हर उस पर जो भी प्रावधान था उस पर खूब बहस हुई, खूब बातचीत हुई और उसका सारा उल्लेख दर्ज है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दो बहसें ऐसी थी जो इतिहास में अलग तरीके से उल्लेखनीय है। एक तो इस देश की राष्ट्रभाषा को लेकर, हिंदी को लेकर, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, और उसी तरीके से देश के नामकरण को लेकर बहुत सारे विद्वान जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको ये लगा कि देश के नामकरण को लेकर जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई। ये मान लिया गया कि इंडिया कहा जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है, और उसका पर्याय भारत है। और संविधान सभा में जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर इसको प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने भी ये कहा कि इस पर बहस की आवश्यकता ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि इंडिया और भारत की बहस ही बेकार है। लेकिन बहुत सारे विद्वान उस सभा में ऐसे भी थे जिनको लगता था कि इस पर बहस जरूरी है, और जो अनुच्छेद 1 जिसमें इंडिया दैट इज़ भारत यानी राज्यों का संघ लिखा हुआ है, उस अनुच्छेद के स्वीकारोक्ति से पहले 18 सितंबर 1949 को, जी हाँ, तारीख पर गौर कर लीजिए, 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हो रही थी, एक ज़बरदस्त बहस हुई, और वो बहस थी देश के नामकरण को लेकर। इस बहस में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी हरि विष्णु कामत ने। H.V. कामत जी ने जो कुछ भी उस बहस में कहा, उनकी तीखी नोकझोंक भी भीमराव अम्बेडकर और अन्य सदस्यों से हुई, उसका भी उल्लेख हमने एक अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। लेकिन इस नामकरण को लेकर सेठ गोविंददास और अन्य विद्वानों ने जो कुछ भी बातें उस सभा में की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जब भारत और इंडिया के नामकरण को लेकर पूरे देश में ही एक अलग तरह का विवाद चल रहा है, तो एक विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम INDIA रखा हुआ है, और अब ये माना जा रहा है कि उस INDIA को नीचा दिखाने के लिए भारत को फिर से उतना प्रमुख बनाया जा रहा है। लेकिन इसके मूल में क्या है, किस तरह की बहस उस दिन हुई थी, अलग अलग विद्वानों ने क्या मंत्र कहे थे, उसमें से एक विद्वान जिनके भाषण पर हमारी नज़र ठहर जाती है वो हैं श्री कमलापति त्रिपाठी। जी हाँ, वही कमलापति त्रिपाठी जो संस्कृत और हिंदी के प्रकांड पंडित थे, उद्भट विद्वान थे, और उन्होंने 2 अखबारों का संपादन भी किया था। मूलतः पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, फिर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए, गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थे। और वही कमलापति त्रिपाठी जी जो हैं वो इसी संविधान सभा में उसी दिन 18 सितंबर 1949 को मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि अब जब देश का नामकरण हो रहा है तो मैं भी इस पर अपनी बात रखना चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको अनुमति दी, और जब कमलापति त्रिपाठी जी ने इस विषय पर बोला तो उन्होंने जो कुछ भी बोला, मुझे लगता है कि हम अमरउजाला.com के माध्यम से आपको बताएं कि वो भारत और इंडिया की बहस पर लेकर कमलापति त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के रेल मंत्री भी रहे और कई सारी अनेक संस्थाओं में उनकी प्रमुख भूमिका रही, वो उस 18 सितंबर 1949 की बहस में क्या बोले थे। उन्होंने कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक संशोधन पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया जिसे मैं बहुत पवित्र मानता हूं। आज देश के नाम को लेकर एक संशोधन हमारे सामने है। मुझे खुशी होती अगर प्रारूप समिति ने इस संशोधन को किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया होता। यदि इंडिया अर्थात भारत के अलावा किसी अन्य अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया होता तो मैं सोचता हूँ श्रीमान कि यह उस देश की प्रतिष्ठा और परंपराओं के अधिक अनुरूप होता, और वास्तव में
इससे इस संविधान सभा का अधिक सम्मान होता। यहाँ ठहर कर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया को पहले लिखकर भारत को बाद में लिखने की जो व्यवस्था थी उसको लेकर कई विद्वानों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी उस आपत्ति को दरकिनार किया गया और इसी का उल्लेख कमलापति त्रिपाठी अपने भाषण में करते हैं कि इसको इंडिया दैट इज भारत की बजाय कुछ और स्वरूप दिया गया होता तो उन्हें खुशी होती। आगे वो कहते हैं कि यदि हमारे समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें वह है शब्द आवश्यक होते भारत अर्थात इंडिया ऐसा कहा जाता तो अधिक उचित होता। मेरे मित्र श्री कामत ने भी यही संशोधन पेश किया है और ये शब्द भारत का प्रयोग के रूप में है और भारत का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया था, यदि अब भी वह इसे स्वीकार करती है तो यह हमारी भावनाओं और हमारे देश की प्रतिष्ठा के लिए सराहनीय विचार होगा। हमें इसे स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। फिर भी महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया है उससे हम प्रसन्न हैं और इसके लिए हम प्रारूप समिति को भी बधाई देते हैं। जब भी कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा को खो देता है। 1000 साल की गुलामी के दौरान हमारे देश ने भी अपना सब कुछ खो दिया। हमने अपनी संस्कृति खो दी, हमने अपना इतिहास खो दिया, हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, हमने अपनी मानवता खो दी, हमने अपना स्वाभिमान खो दिया, हमने अपनी आत्मा खो दी और वास्तव में हमने अपना जो मूल स्वरूप था, अपना नाम था, उसको भी खो दिया। देखिए कितने भावुक कर देते हैं कमलापति त्रिपाठी यहाँ पर हमको। उनके पूरे भाषण को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि आज 1000 वर्ष तक की गुलामी में रहने के बाद यह स्वतंत्र देश अपना नाम पुनः प्राप्त करेगा और हम आशा करते हैं कि अपना खोया हुआ नाम पुनः प्राप्त कर यह अपनी आंतरिक चेतना और बाह्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेगा और अपनी आत्मा की प्रेरणा से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। सुनिए, गौर से सुनिए इन पंक्तियों को। जब कमलापति त्रिपाठी कहते हैं कि अगर हम अपना नाम वापस प्राप्त कर लेंगे तो जो हमने आत्मा को, स्वाभिमान को, इतिहास को खो दिया था, कहीं ना कहीं अपना अपमानित महसूस कर रहे थे हम अपने आप को, उसको हम वापस प्राप्त कर लेंगे। आगे कमलापति त्रिपाठी कहते हैं कि अब तक यह देश दरअसल एक तरह की नींद में था, अब यह वास्तव में दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करेगा। राष्ट्रपिता बापू के पदचिन्हों पर चलकर देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी खोई हुई आत्मा की पहचान कराई। सर, मैं भारत के ऐतिहासिक नाम से मुग्ध हूं। यहां तक कि शब्द का उच्चारण मात्र ही जादू के एक झटके से हमारे सामने सदियों के सांस्कृतिक जीवन की तस्वीर उभार कर सामने रख देता है। मेरी राय में दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका ऐसा इतिहास, ऐसी संस्कृति और ऐसा नाम हो जिसकी उम्र सहस्राब्दियों में गिनी जाती हो जैसा कि हमारे देश के पास है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे देश को जितने दमन, अपमान और लंबी गुलामी से गुजरना पड़ा हो किसी अन्य देश ने उतना सहन किया हो और उसके बाद भी हमने अपनी नाम, अपनी प्रतिभा और अपनी पहचान को बरकरार रखा, बचाए रखा। आज उस नाम को वापस दिलाने का समय है। हजारों सालों बाद भी हमारा देश आज भी भारत के नाम से ही जाना जाता है। वैदिक काल से ही यह नाम हमारे साहित्य में आता रहा है। हमारे पुराणों में भी संपूर्ण भारत के नाम की स्तुति की गई है, भारत का ही उल्लेख किया गया है। उन्होंने, कमलापति त्रिपाठी जी ने यह पढ़ा कि गायन्ति देवः किल गीतकानि, यानी देवताओं की भी उत्कट इच्छा है कि वे भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लें और यहीं जीवन व्यतीत करें। देवताओं की भी जिस भूमि पर जन्म लेने की इच्छा होती है, ऐसा हमारा भारत देश है। हमारे लिए नाम पवित्र स्मृतियों से भरा हुआ है। इस नाम का उच्चारण करते ही हमारे मन में हमारे प्राचीन इतिहास और प्राचीन गौरव तथा हमारी प्राचीन संस्कृति के चित्र उभरने लगते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि यह वह देश है जहां पिछले युग में महापुरुषों और महर्षियों ने एक महान संस्कृति को जन्म दिया था। वह संस्कृति न केवल इस भारत भूमि के विभिन्न क्षेत्रों में फैली बल्कि इसकी सीमाओं के पार करते हुए सुदूर पूर्व के कोने कोने तक भी पहुंच गई। हमें याद दिलाया जाता है कि एक ओर यह संस्कृति भूमध्य सागर तक पहुंची और दूसरी ओर इसने प्रशांत महासागर के तटों को भी छुआ। हमें याद दिलाया जाता है कि हजारों साल पहले इस देश के नेताओं और विचारकों ने एक महान राष्ट्र का निर्माण किया और अपनी संस्कृति को दुनिया के चारों कोनों तक पहुंचाया और उसे हासिल भी किया, अपने लिए प्रतिष्ठा का पद हासिल किया। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, यानी भारत शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमें हमारे महर्षियों द्वारा कहे गए ऋग्वेद के मंत्रों की याद आती है जिनमें उन्होंने सत्य के दर्शन और आत्मा का अनुभव का वर्णन किया था।
जब हम इस भारत शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें उपनिषदों के वीर शब्द याद आते हैं जिन्होंने मानवता को जागृत होने, जगाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया था। यानी जो उत्तिष्ठ जागृत की बात की गई है, इसका उल्लेख कमलापति त्रिपाठी यहाँ पर करते हैं। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के वे शब्द याद आते हैं जिनके माध्यम से उन्होंने इस देश के लोगों को व्यावहारिक दर्शन सिखाया, वह दर्शन जो मानवता को शांति और आशीर्वाद के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान बुद्ध की याद आती है जिन्होंने साहसपूर्वक दुनिया भर के लोगों से कहा था कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा भला, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख और मानवता का कल्याण वो इस भारत भूमि पर होता है। ये उनके जीवन का मंत्र होना चाहिए और उन्हें प्राणियों देवताओं को कल्याण का बढ़ावा देने का काम और दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाने का काम इस देश के महात्माओं ने किया है महोदय, और इसीलिए ये भारत शब्द हमें इतना रोमांचित करता है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें शंकराचार्य की याद आती है जिन्होंने दुनिया को एक नई दृष्टि दी। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान राम की शक्तिशाली भुजाओं की याद आती है जिन्होंने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को घुमाकर हिमालय तक उसकी आवाज़ पहुंचा दी थी। उनके धनुष की बाण की टंकार इतनी तीव्र थी कि पूरी भूमि पर उसका कंपन महसूस किया जा सकता था। जब कमलापति त्रिपाठी भाषण की ये पंक्तियां बोल रहे थे उसी वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको टोका और यह कहा, श्रीमान जी क्या यह सब कहना आवश्यक है? तब कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि जो आपको अनावश्यक लगता है आप उसको न सुने, लेकिन जो आपको आवश्यक और प्रासंगिक लगता है मेरी उन बातों को आप अवश्य सुने। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने फिर से उसमें हस्तक्षेप किया कमलापति त्रिपाठी जी के भाषण में और उनको कहा कि अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी जो कार्रवाई थी उसको खत्म करने को लेकर, इस सारी प्रक्रिया को जल्दी समाप्त करने को लेकर, उनकी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको लेकर ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन H.V. कामत और कमलापति त्रिपाठी जैसे विद्वान दरअसल इस बात को लेकर चिंतित थे कि इस देश का नामकरण हो रहा है, ये ऐतिहासिक क्षण है और ऐसे क्षण पर अगर हम अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर गलत होगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्तक्षेप के बावजूद कमलापति त्रिपाठी बोलते रहे और उन्होंने आगे कहा कि जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें मानवता को एक नया संदेश देने वाले बापू का स्मरण होता है। हमें यह देखकर खुशी हुई कि इस शब्द का उपयोग किया गया है और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन यह बहुत उचित होगा यदि उन्होंने श्री कामत द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लिया है तो यह हमारे लिए ज़्यादा प्रसन्नता का विषय होगा। भारत को अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे इस देश की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। भारत शब्द के समावेश से और इसे स्वीकार करके हम इस देश को एक नया स्वरूप दे सकेंगे, इसकी खोई हुई आत्मा लौटा सकेंगे और इसकी रक्षा भी कर सकेंगे। भारत एक महान राष्ट्र बनेगा और विश्व स्तर पर मानवता की सेवा करने में सक्षम होगा। इसके बाद सदन में जो संविधान सभा की उस दिन की 18 सितंबर 1949 की कार्रवाई थी, बहसें होती रही, कई तरह की बातें आईं, इंडिया दैट इज़ भारत और भारत दैट इज़ इंडिया दोनों पर खूब बहस हुई। आखिर में इंडिया दैट इज़ भारत का प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। हालांकि अनुच्छेद 1 में जब ये इंडिया दैट इज़ भारत यानी कि जो राज्यों का संघ है कहा गया है तो उसमें ये नहीं कहा गया कि भारत नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों विवाद कर रहे हैं। इंडिया कह देने से, भारत कह देने से, हिंदुस्तान कह देने से, हिंद कह देने से, जम्बूद्वीप कह देने से, आर्यावर्त कह देने से भारत की तासीर नहीं बदलती। शेक्सपियर ने कहा भी है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दरअसल अगर हम कमलापति त्रिपाठी जी के इस उद्वेलित करने वाले, रोमांचित कर देने वाले और भावनाओं से भर देने वाले भाषण को सुनते हैं तो हमको लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। दरअसल ये नाम हमारे राष्ट्र को गुलामी से बाहर निकालकर हमें वापस अपने खोए हुए आत्मसम्मान को दिलाने का प्रतीक है और इसीलिए उन्होंने इतनी मजबूती के साथ संविधान सभा की उस ऐतिहासिक बहस में 18 सितंबर 1949 को भारत के नाम को इतनी मजबूती से प्रस्तावित किया था। हमें लगता है कि ऐसे विद्वज्जनों ने ही शायद भारत को आकार देने में और हम सब तक भारत की भावनाओं को इतनी मजबूती से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कमलापति त्रिपाठी जी का ये भाषण निश्चित ही इतिहास में उल्लेखनीय है और इसीलिए आज इस समूची बहस के बीच amarujala.com के आप सभी दर्शकों तक इसे पहुँचाना प्रासंगिक लगा। आप देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला अब आपके TV पर भी। अपने स्मार्ट TV पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।